दोस्तों, मैं अमित कुमार अलवर राजस्थान से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूं डलहौजी, जो कि हिमाचल स्टेट के अंदर आता है। तो आज का पूरा ब्लॉग हमारा डलहौजी के ऊपर होने वाला है और इसका पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा। तब तक आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आप लोग घूमने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आओ आप पठानकोट। यहाँ से अप्रोक्स 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है डलहौजी। पठानकोट से डलहौजी तक का पूरा सफ़र आपका पहाड़ों में रहने वाला है। लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र आपको पहाड़ों के बीच बने रास्ते से तय करना होगा, जो कि अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। और फाइनली हमारा ग्रुप भी उल्टियाँ करते हुए डलहौजी में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। और अब चलते हैं ऊपर, फिर दिखाते हैं ऊपर से। और आज रात हम इन्हीं कैंपिंग टेंट में रुकने वाले हैं, जो कि हमने आने से पहले बुक किए थे। तो आप लोग भी आने से पहले ही बुक करना, अदरवाइज़ आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है यहाँ पर रहना, क्योंकि दिसंबर के मंथ में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता है। और अभी मैं आपको टेंट के अंदर लेकर चलता हूँ और आपको अंदर से दिखाता हूँ टेंट के अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ पर हमारा लगेज रखा हुआ है, यहाँ 3 लोगों के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन एक टेंट के अंदर 4 लोग आराम से आ सकते हैं। और इसके अंदर एक चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाता है। और अभी मैं बाहर चलकर एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे होटल्स और घर बने हुए हैं इतनी ऊँचाई पर। और थोड़ा आगे की तरफ मार्केट भी है यहाँ, जो कि आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारे टेंट के आसपास का व्यू है, यहाँ आप देख सकते हैं इधर। यहाँ पर ये झूला लगा रखा है जो कि फ़ोटोशूट के लिए है, ये सभी चार्जेबल हैं। और यहाँ पर कुछ एडवेंचर के लिए रस्सियाँ भी लगा रखी हैं, जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं वो इन पर कर सकते हैं। और ये सभी चार्जेबल है। और रात के टाइम में कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। रात के टाइम में बाहर आग जलाकर बैठना और लेट नाइट तक ग्रुप के साथ पार्टी को एंजॉय करना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। यही रीज़न है कि लोग हिल स्टेशन घूमने के लिए ज़्यादा आते हैं। और आज के व्लॉग को इसी डांस के साथ एंड करते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा पंचपुला, जो कि पास में ही है, यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।